नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। मुजफ्फरपुर में तरबूज बेच रहे लोगों को ट्रक ने रौंद दिया, जिसके बाद तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मुजफ्फरपुर छपरा बॉर्डर स्थित रेवा घाट पुल के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग सड़क किनारे तरबूज बेच रहे थे, इस दौरान एक ट्रक अनियंत्रित होकर भीड़ में घुस गई और वहां बैठे लोगों को रौंद दिया, जिसके बाद तीन लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। ट्रक चालक घटना के बाद मौके से भागने की फिराक में था, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इससे पहले क्रेन की सहायता से ट्रक को किनारे किया गया और शव को बाहर निकाला गया। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के अजमेरीपुर बैरिया गांव में मंगलवार की दोपहर ऐसी आग लगी कि लगभग पूरा गांव ही जल गया। 200 घर जलकर राख हो गए। जब तक गांव के लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही कई घर आग के चपेट में आ गए। गांव वालों ने काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि मुश्किल हो रही थी। वहीं जब तक दमकल की गाड़ी आती, तब तक दर्जनों घर जलकर राख हो चुके थे। आग लगी की घटना के करीब एक घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आकर आग पर काबू पाया। 200 घरों में हुई आग लगी की घटना में लाखों रुपए की क्षति का अनुमान है। घटना को लेकर अजमेरीपुर बैरिया के सरपंच आशुतोष कुमार आशीष उर्फ रंजीत यादव ने बताया कि 200 से अधिक घर जलकर राख हो गए हैं, लेकिन मात्र 2 दमकल की गाड़ी आई। सरकार से ऐसे लोगों को मदद मिलनी चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए। बिहार में लागू नई शिक्षक नियमावली का विरोध जारी है। शिक्षक अभ्यर्थी और कुछ संगठन विरोध में उतरे हैं। इस बीच बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर का बड़ा बयान सामने आया है। मंगलवार को मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर ने कहा कि नई नियमावली में कोई बदलाव नहीं होगा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि नई नियमावली जो आई है, उसके समर्थन में लोगों को खड़ा होना चाहिए, इससे राज्य का हित होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध शिक्षा हित में नहीं है। चंद्रशेखर ने आगे मीडिया से कहा कि बिहार ज्ञान की भूमि रही है, इसको वापस लाना है। सरकार की तरफ से उसी दिशा में कदम बढ़ाया गया है। बिहार की जो विरासत रही है, दुनिया भर में डंका बजता था। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग इस नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं, वो रोजगार के खिलाफ हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मजबूती और सबको एकजुट करने के लिए पहल कर रहे हैं। लगातार अलग अलग राज्यों में उनका दौरा हो रहा है। इसी कड़ी में आज नीतीश कुमार झारखंड जाएंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात होने वाली है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश में जुटे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय से झारखंड सरकार को जानकारी दी गई है कि नीतीश कुमार बुधवार को जाने वाले हैं। पटना से करीब 3 बजे नीतीश कुमार निकलेंगे। इस मुलाकात के बाद बुधवार शाम 7 बजे ही नीतीश कुमार पटना लौट आएंगे। नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन के बीच करीब 1 घंटे बातचीत होगी। इसके पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और अब सीएम नीतीश कुमार जा रहे हैं। माना जा रहा है कि विपक्षी एकता को लेकर इस मुलाकात में बातचीत होने वाली है। बागेश्वर बाबा के बिहार आगमन को लेकर सियासत तेज है। तेज प्रताप यादव समेत कई आरजेडी नेताओं ने बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो बीजेपी नेता धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में बयान दे रहे हैं। वहीं कई संगठनों ने भी बाबा के बिहार आगमन का समर्थन किया है। तेज प्रताप यादव के बाबा को बिहार नहीं घुसने देने की धमकी देने के बाद बाबा के समर्थन में सवर्ण क्रांति सेना नाम के एक संगठन ने पहले पोस्टर लगाकर कहा था कि जो बाबा का विरोध करेगा वह भस्म हो जाएगा, और अब यह संगठन केंद्रीय गृह मंत्री से बाबा की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। पोस्टर पर खुद को क्षत्रिय पुत्र बताने वाले कृष्ण सिंह कल्लू ने कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन को लेकर जिस तरह बयानबाजी हो रही है, बिहार के मंत्रियों और विधायकों की तरफ से उन्हें बिहार से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। बात नहीं मानने पर बिहार में हमारी सरकार होने की बात कही जा रही है। कहीं न कहीं ये बयान राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जीबीएन 24।